हेलो दोस्तों, यार देखो, कर्व का एक क्विक अपडेट है ना। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था, इस पर हम लोग लॉन्ग ट्रेड लगा चुके हैं। एक इन्वर्टेड हेड एडवांस्ड इन्वर्टेड हेड शोल्डर हेड पैटर्न बना रहा था और उसने ब्रेकआउट दिया था, है ना। एडवांस्ड इन्वर्ट हेड शोल्डर हेड बना रहा था और एक ब्रेकआउट अच्छा खासा मोमेंटम मिला था। बट क्योंकि मार्केट जो है रिजेक्ट हुई थी, मार्केट रेजिस्टेंस पे थी, बिटकॉइन रेजिस्टेंस की वजह से वापस आ गया था नीचे। उसके बाद इसने कंसोलिडेट किया। उसके बाद अभी ना, अभी का सीन ये कि इसने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाया है ना। उस ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाने की वजह से तो अभी ये क्या है, अभी उस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर काम कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये वहीं पे एक माइनर सपोर्ट था, पीछे से जो आ रहा है और वहीं पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट, तो अभी ठीक ठाक है। अब वो जो ना एक अभी अभी वो ना मेजर रेजिस्टेंस पे आ चुका है ना, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। तो इधर ब्रेकआउट ऊपर होगा या ब्रेकआउट नीचे होगा, तो कर्व में अभी फिलहाल के लिए वेट करेंगे। अगर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखें तो देखो एग्जैक्ट पिन पॉइंट से, अगर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखो ना, तो ये देखो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ है। एक सेकेंड, हाँ एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ है और ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उससे बाउंस किया अब यहीं रेजिस्टेंस पे। अब अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो एक मूवमेंट मिलेगा अपने को नीचे आने का, है ना। यहाँ से यहाँ तक का मेरे ख्याल से 1% के आसपास का होगा, 2-4% के आसपास की रेंज है ना। 4% के आसपास का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट दे देगा तो यहीं से हम लोग लॉन्ग करेंगे। डिपेंड करता है रिजेक्शन और ब्रेकआउट पे हम लोगों को ट्रेड चलानी है। अगर ब्रेकआउट देगा तो ऊपर से लॉन्ग करेंगे रिटेस्ट पे, और अगर रिजेक्शन होगा तो यहीं पे शॉर्ट कर लेंगे। बिटकॉइन के मूवमेंट पर टोटली डिपेंडेंसी हो गई है इस वक्त, क्योंकि बिटकॉइन अगर देखो तो मेजर रेजिस्टेंस पे आ चुका है और मेजर रेजिस्टेंस पे ही वो कल से कंसोलिडेट कर रहा है ना। सॉरी, वो कल से ना मेजर रेजिस्टेंस पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखो, वो अभी तक इस मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, एक भी 30 मिनट के कैंडल क्लोजर ऊपर नहीं है। तुम देखो सब नीचे ही नीचे, तो मे भी हो सकता हो यहाँ से रिजेक्शन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये एक एडवांस डबल बॉटम भी बन रहा है। अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम पे देखो या 4 आवर टाइम फ्रेम देखो ना, तो एक एडवांस डबल बॉटम टाइप का भी बनता हुआ दिखेगा तुम्हें। 4 आवर टाइम फ्रेम नहीं, और थोड़ा सा कम करो, 1 आवर टाइम फ्रेम में है ना। तो ये एक एडवांस्ड डबल बॉटम टाइप का तुम्हें बनता हुआ दिखेगा, और डबल टॉप सॉरी बनता हुआ दिखेगा। तो हो सकता है अभी एक थोड़ी सी अपवर्ड रैली आए, बट अभी के लिए अपने को सेफ खेलना है ना। ये देखो, अपने को सेफ खेलना है ना। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट अभी के लिए फ़िलहाल 2-4 घंटे ना देखना पड़ेगा। अगर कंसोलिडेट करेगा तो और इसमें थोड़ा बहुत पंप आएगा 1-2% का। बट वो कॉइन छाटेंगे जो अपने को, वो कॉइन छाटना है ना जिसमें या तो बिल्कुल मेजर रेजिस्टेंस पे है ना, या तो रिजेक्ट हो रहा है उस पर ट्रेड करेंगे। रिजेक्शन वाले पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसलिए क्योंकि मार्केट में भी रिजेक्शन ले सकती है, और करेक्ट पॉइंट पे एंट्री लेना। जैसे अभी सेलर का था, जेलिका का था, सबकी ट्रेड्स वगैरह एक्टिव हैं। तो ठीक है, फिलहाल के लिए भी यही अपडेट है। तो थैंक यू सो मच।